Hello and a very warm good morning to all my dear students. I hope all of you are in good health. Today I am making videos for class 3 subject science. Chapter name is feeding habits of animals. बच्चों मैंने इस chapters को complete कर दिया है. So अब आता है time इस एक्सरसाइज का. कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व आउट करा दूं. सो लेट स्टार्ट इट. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है करेक्ट ऑप्शंस को. जैसे कि क्वेश्चन वन में दिया हुआ है, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन डैश एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. सारे एनिमल्स किस पर डिपेंड हैं? ऑब्वियसली लकड़ी पे तो नहीं है, प्लांट्स पे. तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? प्लांट्स, ठीक है, एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, यानी कि भोजन के लिए. सेकेंड में है, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डैश. वो जानवर जो दोनों खाते हो, यानी कि प्लांट्स भी खाना पसंद करते हो और दूसरे जानवर का फ्लैश भी खाना पसंद करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं. जो कार्निवोरस एनिमल्स होता है वो सिर्फ फ्लैश ऑफ एनिमल्स लेना पसंद करता है, यानी कि दूसरे जानवर का सिर्फ मांस खाता है. बट ओमनीवोरस प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं दूसरे जानवरों का. डैश नीबल्स थ्री में है, डैश नीबल्स देयर फूड बर्ड एंड माइस. कौन से वो एनिमल हैं जो कुतुर कुतुर के खाना पसंद करते हैं? नीबल्स मतलब होता है कुतुरना. ओके, क्या होता है नीबल्स मतलब? कुतुरना. तो चूहा, यानी कि चूहा अपना खाना कुतुर कुतुर के खाना पसंद करता है. और भी जैसे कि आपको गिलहरी हो गया, गिलहरी भी जो है वो भी खाना कुतुर कुतुर के खाना पसंद करते हैं. फोर में है, ए मस्कीटो सक्स ब्लड यूजिंग इट डैश. मस्कीटो जो है वो खून किससे चूसता है? तो एक प्रोबोसिक्स जो ट्यूब होता है उससे क्या करता है, जो मच्छर होता है वो हमारे शरीर से या फिर दूसरे एनिमल्स के बॉडी से खून को सक करते हैं, यानी कि चूसते हैं. फिफ्थ में है, क्रोकोडाइल्स हैव लार्ज डैश टीथ. क्रोकोडाइल्स के पास बड़े मुलायम दांत नहीं होते हैं बल्कि तेज़ दांत होते हैं, यानी कि शार्प दांत होते हैं. सॉफ्ट मतलब हो गया आपका मुलायम और शार्प मतलब हो गया तेज, यानी कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके पास बड़े और नुकीले तेज़ दांत होते हैं. सिक्स में है, डियर हैज़ ब्रॉड डैश एंड शार्प फ्रंट टीथ. जो हिरन होते हैं उनके दांत चौड़े होते हैं और क्या होते हैं, घुमादार तो बिल्कुल नहीं होते हैं, उनके दांत फ्लैट होते हैं. ठीक है, तो फ्लैट होते हैं एंड शार्प फ्रंट टीथ, और आगे के दांत थोड़े से तेज़ होते हैं. ओके, तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें आपको ऑप्शन के साथ चूज़ करना था ए. अब है बच्चों, सेकेंड है हमारा बी. इसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको टिक आउट करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ अ हर्बीवोरस, यानी कि इसमें से ये तीन जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसने एक मॉस्कीटो और काउ, इसमें से कौन हर्बीवोरस है, यानी कि हर्बीवोर है? तो स्नेक, स्नेक तो हर्बीवोर बिल्कुल नहीं है. मॉस्कीटो, मॉस्कीटो भी नहीं, कि वो खुद मतलब अपने आँख से देखते होंगे कि वो हमारा खून चूसते हैं. स्नेक जो है वो भी शिकार करता है दूसरे जानवरों का. काउ जो कि हमें मिल्क प्रोवाइड करती है, ये क्या है? ये हर्बीवोर है, यानी कि हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी है. तो हम सी में टिक लगाएंगे. सेकंड में है, दिस एनिमल्स डज नॉट यूज इट्स टूथ फॉर च्यूइंग. ये जो एनिमल है, ये जानवर अपने दांत का इस्तेमाल नहीं करता है अपने फूड को मतलब चबाने के लिए, अपने दांत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता है. तो वो कौन सा है? तो क्रोकोडाइल अपने जानवर को बिल्कुल अपने दांत से उनका फ्लैश खींचते हैं. काउ भी चबा चबा के खाता है. तो बच गया कौन? स्नेक. स्नेक क्या करता है? स्नेक निगलता है, स्वॉल करता है. ठीक है, तो हम ए में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे. थ्री में है, एलिफेंट यूज देयर ट्रंक टू व्हाट. तो ए में है टीयर ऑफ ब्रांचेस, बी में है च्यू एंड ग्राइंड फूड, और सी में है टीयर ऑफ फ्लैश, यानी कि मांस घींचने के काम आता है दूसरे जानवरों का, या फिर उनको चबाता है और खाना उनको ग्राइंड करता है, या फिर टीयर ऑफ ब्रांचेस यानी कि पेड़ के टहनियों के पत्तों को और शाखाओं को तोड़ने के काम आता है. तो ये हो जाएगा ए, यानी कि वो एलिफेंट जो अपना सूंड है वो उसका इस्तेमाल करता है शाखाएं तोड़ने में, स्टेम वगैरह तोड़ने में, ताकि वो तोड़कर उसे फिर खा सके. तो
तो 3 का होगा ए। 4 में है दिस एनिमल इज़ यूज टू कैरी लोड, इसमें से कौन सा जानवर मतलब लोड उठा सकता है, तो काउ नहीं उठा सकता है, हैन तो बिल्कुल नहीं उठा सकती है, बच गया डंकी। डंकी जो है वो लोड्स को कैरी करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दिस एनिमल शुड बी गिवन एनर्जी, शुड बी गिवन एनर्जी गिविंग फूड, इसमें से कौन सा जानवर है जिसको मतलब हमें एनर्जी गिविंग फूड देना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि वो जानवर जो हमारा हेल्प करते हैं, जो लोड्स को कैरी करते हैं, उनको हमें अच्छा भोजन जिसमें उनको एनर्जी मिल सके वैसा फूड हमें देना चाहिए। तो कैमल, कैमल क्या करता है, कैमल को हम अपना एज अ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं और कैरी हैवी लोड्स उठाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ऊँट को प्रॉपर एनर्जी गिविंग फूड देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में आपको काऊ, तो काऊ को यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ जैसे कि टीयर्स ऑफ ग्रासेस विद ट्रंक है, कैचेस इंसेक्ट विद टंग, सक नेक्टर विद प्रोबोसिस टू द कर्ड, स्वॉलो देयर अ फूड होल। तो हम यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो काऊ होता है वो अपना खाना क्या करते हैं, खा जाते हैं, बट उसको डायरेक्ट खा जाते हैं और जब फिर से क्या करते हैं, खाना को बाहर निकालते हैं और उनको च्यूज द कर्ड यानी कि कर्ड यानी कि उसको पगड़ी करते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि खाना को फिर से अपने बाहर निकाल कर मुँह में फिर से क्या करते हैं, वो उनको चबा चबा के तब फिर जाके वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं च्यूज द कर्ड। ओके, स्नेक क्या है, स्नेक का है यहाँ पे सॉलोज द फूड होल, यानी कि जो स्नेक होता है वो क्या करता है, वो अपना खाने को पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो इसका होगा ई, 2 का ई होगा और 1 का डी होगा। एलिफेंट क्या करता है, टीयर ऑफ ग्रास विद ट्रंक, यानी कि वो घास को या फिर टहनिया को या फिर शाखाओं को क्या करता है, अपने सूर से तोड़ लेता है, ठीक है। 3 का होगा आपको ए। फ्रॉग का क्या काम है, फ्रॉग का है कैचेस इंसेक्ट विद टंग, वो अपने जीभ से क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है, क्योंकि उसकी जो जीभ होती है वो क्या होती है, चिपचिपी टाइप की होती है, ठीक है, स्टिकी टंग होता है। तो फ्रॉग का हो जाएगा आपको बी। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या करता है, यानी कि तितली, सक नेक्टर विद प्रोबोसिस, यानी कि मच्छर और बटरफ्लाई जो होता है वो क्या करते हैं, चूसने का काम करते हैं, तो जो बटरफ्लाई होता है वो फूलों का रस चूसता है, जो मच्छर होता है वो ब्लड को सक करता है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई का क्या दिया हुआ है, सक नेक्टर विद प्रोबोसिस, यानी कि प्रोबोसिस क्या, एक हॉलो टाइप का, खाली टाइप का, खोखला टाइप का ट्यूब होता है जिसे वो किसी भी फ्लावर का नेक्टर यानी कि जूस को मतलब क्या करता है, चूसता है। तो आपको 5 का हो जाएगा सी। तो बच्चों ये था इस चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप अपने बुक में फिल आउट कीजिए और इसको लर्न कीजिए, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, बस ये चैप्टर बस यहीं तक है आपका। सो चिल्ड्रन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।